अलवर बस स्टैंड, शिकार के बस स्टैंड है, और ये हमारी बस जिसमें हम आए थे। तो यहाँ पे कुछ बड़ी सी बिल्डिंग है, देख रहे हो, इतनी विशाल बिल्डिंग है इसमें। यहाँ पे वो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गया गाइस, पता नहीं चल रहा है कि किसका साइड जाना है। गाइस ये हो तालाब, और जहाँ है गाइस 12 छतरियाँ, आप चेकआउट करिए। जैसे देखिए किस प्रकार के ताले लगाए गए हैं, जो कि पुराने ज़माने में गाइस ऐसे ताले लगते थे, जो कि इसमें सांगल लगे, तो सांगल आसपास को सांगल कहते हैं गाइस। पूरा ये पत्थर है गाइस, जैसे तोड़ के इन्होंने डिजाइन की है। देखिए आप कितने ब्यूटीफुल बना रखे हैं गाइस। पीपल का पेड़, कितना ही विशाल पेड़ है इसकी जड़े, देखिए जड़े आप कितनी बड़े बड़े जड़े इसकी, देखिए आप जो कि नीचे लटक रही है। तो गाइस हम पहुंचे उस जगह पर जहाँ की राजा बैठा करते थे। गाइस इस जगह पर राजा बैठते थे, और यहाँ सामने इसकी जो प्रजा बैठी करती थी, 3 छतरियाँ है जिन पे की राजा बैठा करती थी। ये वाली है मेन छतरी जहाँ पे राजा बैठते थे, और क्योंकि ये देखिए तोड़ रखा गया, जिससे देखिए पूरा पता चल रहा है कि पत्थर से बनाया गया है। देखिए आप राजा की प्रजा यहाँ बैठा करती थी। यहाँ का जो फाउंटेन है, जहाँ होली के टाइम से काफ़ी अच्छा त्यौहार मनाया जाता था पहले। ये कुछ चक्कर करोगा इस, कितनी बड़ी जगह है, तो छोटी छोटी बंदूकें भी है और बड़ी बड़ी भी है। ये देखो इस कितनी बड़ी बंदूक है, देखिए ना। यहाँ पे था जो म्यूजियम जहाँ के हम गए थे, यहाँ राजकीय संग्रहालय वहाँ लिखा हुआ है। हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आज सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम अमित, और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज की हमारी तैयारी है एक नई जगह जाने की गाइज, जो कि राजस्थान में है। हाँ गाइज, आज हम जा रहे हैं राजस्थान के अलवर में। गाइज अलवर में एक सिटी पैलेस है गाइज, वहाँ हम जा रहे हैं आज। तो देखते हैं वीडियो क्या होता है, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए वीडियो को एंड तक। तो हम लोग तो निकल चुके हैं आगे के सफर की तरफ, हम पहुँच चुके हैं तिलक वीर मार्केट के पास। अब आगे जाएंगे हम टपकड़ा चौक, फिर टपकड़ा चौक से हमें मिलेगी गाड़ी अपने आगे के सफ़र के लिए, जहाँ के हम जा रहे हैं आज अलवर। यहाँ से अलवर की डिस्टेंस 75 किलोमीटर है, देखते हैं कितना टाइम लग पाता है अलवर पहुँचने में। इस तरह का व्यू है टपकड़ा में। तो गाइस अभी पहुँच चुके हैं अलवर बस स्टैंड, शिकार के बस स्टैंड है, और ये हमारी बस जिसमें हम आए थे। ये वाली गाइस हरियाणा फरीदाबाद सफ़र। तो अब देखते हैं यहाँ से गाड़ी हमें मिल पाती है या ऑटो ऑटो मिल पाता है यहाँ से। मैं गाइस सामने दिख रहे हैं पहाड़ों के व्यूज़ गाइस, चेक आउट करो पहाड़, नहीं ब्यूटीफुल लग रहे हैं पहाड़ बिल्कुल। और मौसम बिल्कुल सही हो रहा है आज का, धूप तो लगी नहीं है लेकिन बादल है मौसम पे, हल्की हल्की धूप लग रही है, बादल लग रहे हैं। तो हम चल रहे हैं सिटी प्लेस की ओर, सिटी पैलेस जितने जा रही आज। तो गाइस अब हम ढूंढ रहे हैं यहाँ से ऑटो, ऑटो तो मिल नहीं रहे मतलब ऊपर के लिए, तो देखते हैं कहाँ से हम ऑटो मिल पाते हैं। और धूप काफ़ी तेज़ होगी अभी, ये धूप नहीं तो काफ़ी तेज़ होगी धूप, देखते हैं कहाँ से ऑटो मिल पाते हैं यार, कैसे कैसे हम पहुँच सकते अपने सिटी पैलेस। तो भी ऑटो ढूंढते हैं गाइस, हमें ऑटो मिल चुका अभी, हम बैठे हैं ऑटो में। आप व्यू देखिए गाइस कितना ही बेहतरीन व्यू आ रहा है आज, मौसम बिल्कुल बढ़िया हो रहा है, पूरे मौसम में बादल बादल से है आजकल का, और कहीं बादल है कहीं मौसम साफ है। अब देखिए व्यू कितना मस्त आ रहा है, और बैठे हुए ऑटो में जा रहे हैं आगे की ओर। अब देखते हैं कितना टाइम लग पाता है हमें पहुँचने में, मैक्सिमम अगर उसमें आधा घंटा लग जाएगा हमें अपने सिटी प्लेस पहुँचने में। चल रहे आगे की ओर, तो गाइस आगे बढ़ते हुए हम पहुँच चुके हैं कुछ इस प्रकार की लोकेशन पर। इस साइड जा रहा हूँ पैदल में, क्योंकि गाइस ऑटो तो मिल नहीं पाए, तो हम पैदल जा रहे हैं आगे की ओर। अप्रॉक्स 500 किलोमीटर, 500 मीटर की दूरी पर अब हमारा सिटी पैलेस, तो हम सकते हैं पैदल चल जाए। जल्दी हम पहुँचने वाले अपने सिटी पैलेस, और धूप गाइस काफ़ी कड़क हो रही है। उस समय जब आया था तब बादल लगे थे, अभी देखिए गाइस कड़कती हुई धूप लग चुकी है, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश ना ज़्यादा धूप है। तो चलते फिर आगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अपना आज का लोकेशन सिटी पैलेस। तो गाइस आप कौन से लोकेशन पर आगे बड़े बड़े ये पहाड़ टाइप दिख रहे हैं,
अब देखते हैं हमारा सिटी प्लेस किस साइड पे है। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ से लेफ्ट साइड को आगे से चौक टाइप है, इससे लेफ्ट बता रहा है। अब देखते हैं यहाँ पहाड़ी पर कुछ एक मकान टाइप के भी है। अब देखते हैं वहाँ पे हमारा सिटी पैलेस, यहाँ सामने भी पुलिस चौकी है अलवर की। ये देखिए इस साइड पे हम जा रहे आगे की ओर, और लगता है कि ये मेन गेट है यहाँ जहाँ बस वगैरह रुकी हुई है। इस साइड पे गाइस देखिए यहाँ सामने से बिल्कुल धूप आ रही है, का व्यू है यहाँ। तो यहाँ पे कुछ बड़ी सी बिल्डिंग है, देखिए गाइस ये विशाल बिल्डिंग है, इसमें डिजाइन देखिए किस प्रकार की खिड़कियाँ टाइप बनाई हुई है। शिकार है, देखते हैं कहाँ से रास्ता है आगे को जा पाते है। शिकार का व्यू है यहाँ। गाइज ये हो तालाब, और जहाँ है गाइज 12 छतरियाँ, आप चेकआउट करिए। हाँ 12 छतरियाँ गाइज पूरी, 1 2 3, 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गाइज पूरी 12 छतरियाँ हैं यहाँ जो कि राजा ने बनाई थी यहाँ। और यहाँ देखिए तालाब, पहले यहाँ तालाब नहीं था गाइज, बाद में बोले तालाब का निर्माण किया गया। और बारिश का जो पानी आता है सारे तालाब में रुकता है गाइज, जो कि यार रुका हुआ। और पहाड़ चेकआउट कीजिए, कितने विशाल बड़े बड़े पहाड़ है गाइज यहाँ। किस प्रकार की यहाँ कलाकारी की गई, देखिए किस प्रकार की बड़ी बड़ी बना रही है यहाँ, बड़े बड़े सो मतलब रूम कमरे टाइप के भी हैं। जैसे देखिए किस प्रकार के ताले लगाए गए हैं, जो कि पुराने ज़माने में गाइस ऐसे ताले लगते थे, जो कि इसमें सांगल लगे, तो सांगल आसान को सांगल कहते हैं गाइस। इसके ऊपर इसको लगाते हैं, फिर एक दरवाज़ा लॉक होता है गाइस, क्योंकि हमारे यहाँ गाइस कुंडी होती है, लेकिन यहाँ कुंडी नहीं है, यहाँ किस प्रकार की है जो कि हमारे पहाड़ों में भी इसका यूज़ किया जाता है अभी, जो पुराने मकान उनका यूज़ अभी भी यहाँ होता है। और यहाँ देखिए लाइट जलाने के लिए ये इस वक्त बनाए हुए हैं, देखिए बहुत सारे रूम हैं। और गाइस चेकआउट हो रहा व्यू, कितना ही प्यारा व्यू आ रहा गाइस, बड़े बड़े ये पहाड़ है और ऊपर से बादल है गाइस, गाइस व्यू बहुत बेहतरीन आता है यहाँ से। अभी हम घूम रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वो मैंने बताया था आपको पहले जहाँ की 12 छतरियाँ है। यहाँ गाइस बहुत सारे पीपल के पेड़ भी है, और चारों तरफ से व्यू आ रहा है यहाँ। अब चलते हैं यहाँ के ऊपर और दिखाने की कोशिश करते हैं आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लगी हुई है सीढ़ियाँ और लोग ऊपर जा रहे हैं, कोई बहुत सारे लोग, तो हम भी चलते ऊपर। अब इस प्रकार की यहाँ सीढ़ियाँ लगाई हुई है जिससे होते हुए जा रहे हैं ऊपर। अब गाइस यहाँ बहुत सारे बच्चे भी है जो भी स्पोर्ट कर रहे हैं, और आप यहाँ भी चला करो, इतना बेहतरीन अभी हुआ रहा है। अब आए गए काफ़ी थोड़ा हाइट में, जहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है। सुंदर इनपे कलाकार और डिज़ाइन किए गए हैं, देखिए पूरा ये पत्थर है गाइस, जैसे तोड़ के उन्होंने डिज़ाइन किए हुए, देखिए आप कितने ब्यूटीफुल बना रखे हैं गाइस। होता लकड़ी तोड़ के बना रहता, लेकिन गाइस ये पत्थर है, देखिए कितने विशाल इन पत्थरों पर डिज़ाइन किए गए हैं, और किस प्रकार की प्रतिमा इमारत बनाई हुई है। यहाँ भी गाइस ये छतरियाँ लगा रखी उन्होंने, ये वाली छतरियाँ जो कि नीचे भी है जाओ तालाब है, और यहाँ भी है गाइस देखिए ऊपर, देखिए गाइस इसमें पूरा इस पर जो काम है वो पत्थरों से किया गया है, सब कुछ ऑल जो काम है पत्थर की वजह, देखिए कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है गाइस। इस प्रकार के और जो चिड़ियों के दाना डाल रखा है यहाँ गाइस, गेहूँ के दाने दिख रहे हैं गाइस, ये देखिएगा आप चेकआउट कीजिए, ये गाइस गेहूँ के दाने जो कि चिड़िया वगैरह डाल रखे हैं, कबूतर और चिड़िया डाल रखे हैं, और अभी चेक कीजिए। तो गाइस अभी हम जा रहे थे एक छतरी पर, देखिए गाइस कितना है प्यारा ये पानी लग रहा है, इसमें काई जम रखी गाइस, ये पानी बिल्कुल नीला सा है। यहाँ पे गाइस ये बड़ी मछली टाइप देखी हमने यहाँ पे, वो नीचे लगी पानी में, अभी तक गाइस हल्की दिखी थी वो, जगह का भी हो गाइस यहाँ। यहाँ 2 मिनट बैठते हैं, और जो यहाँ का जो पहाड़ व्यू है इसका थोड़ा इंजॉय लेते हैं।
बहुत ही शांत माहौल है जहाँ जो लोगों का शोरगुल है वही हो रहा, लेकिन किसी और चीज़ का कोई शोरगुल नहीं। गाइस देखिए कल जगह की जगह जहाँ बड़ी सी मछली गाइस वो भी फिर ऊपर आई थी, मैं आपको साफ दिखाने लगा। वो गाइस जो ये तालाब है वो 15 फीट गहरा है, अभी इसमें अप्रॉक्स 10 फीट पानी जो ऊपर लगा रखा है, पूरा गाइस गहरा 15 फीट है ये, जो कि यहाँ हमें बताया गया और सुनने में आया हमारे कि 15 फीट गहरा है गाइस जी। यहाँ पे गाइस मछली थी वो पता नहीं कहाँ गई, वो गाइस काफ़ी गंदा है पानी हो रखा है, इसकी सफाई पता नहीं काफ़ी टाइम से हुई नहीं होगी, इतने टूरिस्ट लोग आते हैं लेकिन गाइस सफाई नहीं करते इसकी, देखो गाइस गंदगी। और जो आता है किसी प्लेस पर और गंदगी फैला जाते हैं गाइस लोग, जो कि लोग हम जैसे लोग होते हैं गाइस जो कि सो जो यहाँ तीर्थ स्थल या फिर कोई प्लेस है वहाँ उसको गंदा करते हैं, क्योंकि राजा ने इतना मेहनत करके किसी को बनाया है तो आप इसी को भी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ देखिए गाइस पीछे से क्या दिख रहा है, व्यू गाइस यहाँ चेकआउट करो, कुछ बोट टाइप की भी हैं जो कि ख़राब पड़ी है गाइस, वहाँ पहले चलती होगी गाइस यहाँ बोट, जो कि यहाँ एक उल्टी पड़ी हुई है ये वाली और एक इसी यहाँ पे गाइस, पता नहीं गाइस ख़राब हुई है फिर या क्या है, पहले चलती होगी गाइस यहाँ बोट और पहाड़ों को भी देख गाइस। अच्छा भी बार यहाँ से तो गाइस अब हम यहीं घूम रहे हैं अभी, आप देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं गाइस। जहाँ गाइस सभा बैठती थी राजा की, हाँ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, अब चल नहीं रहा गाइस पता कि कहाँ पे वो सभा बैठती थी राजा की, अब कोई बता रहा कि इस साइड पे गाइस सभा, देखते हैं वहाँ जाते हैं क्या क्या वहाँ चीज़ें दिखाने लायक है, सब कुछ दिखाएंगे आपको, बस बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए वीडियो को एंड तक। पीपल का पेड़ कितना ही विशाल पेड़ है इसकी जड़े देख जड़े आप, कितनी बड़े बड़े जड़े इसकी देखिए आप, जो कि नीचे लटक रही है। देखिए यहाँ कुछ लोग खेल रहे हैं, पता नहीं क्या है गाइस, क्रिकेट ही लगता है, क्रिकेट खेलो गाइस यहाँ जो सभी लोग खेल रहे हैं, क्या काफ़ी हुए यहाँ। तो गाइस हम पहुँचे उस जगह पर जहाँ की राजा बैठा करते थे गाइस, इस जगह पर राजा बैठते थे और यहाँ सामने इसकी जो प्रजा बैठी करती थी, यहाँ एक फाउंटेन भी है बड़ा सा, उसके बारे में बताएंगे गाइस आपको, उसका यहाँ हमने बताया गया, यहाँ कैमरे लगे पड़े हैं बहुत सारे। यहाँ गाइस रहती रानियाँ जैसे गाइस लाल लाल रहा है वहाँ रहती गाइस, जिसका उनकी कलाकारी की गई है कि अगर जो लोग बाहर से दिखा उसे नहीं दिखेगा, लेकिन जो अंदर की जो रानियाँ होंगी वो बाहर सबको दिखवा देती है, मतलब बाहर सबको दिखता था लेकिन अंदर से कुछ नहीं दिखता था गाइस, अगर हम देख रहे थे अंदर को तो दिखता नहीं था गाइस कुछ नहीं, कुछ इस प्रकार की यहाँ व्यू है। तीन छतरियाँ हैं जिन पे कि राजा बैठा करते थे, ये वाली है मेन छतरी जहाँ पे राजा बैठते थे और प्रजा को मतलब जिसका राजा बताते हैं प्रजा को, जहाँ की प्रजा बैठी करती थी। ये गाइस ये फाउंटेन है जहाँ की मतलब होली का जो त्यौहार होता था वो मनाया जाता था, पूरे में रंग डाला जाता था, तो गाइस जो राजा होता था वो गाइस जो अलवर के जो गाँव होंगे गाइस यहाँ के वहाँ जाते थे अपने घोड़े पे या फिर क्या कहते थे हाथी पे, तो जो गाँव की महिलाएं गाइस उन पे रंग डालती थी, बल कुछ इस प्रकार का यहाँ की जो बताया जाता है यहाँ के बारे में कुछ इस प्रकार है गाइस। लोकेशन और लोगों की भीड़ तो गाइस काफ़ी है, किस प्रकार का डिजाइनिंग और कलाकारी की गई है जो कि उसको कुछ अद्भुत सी बात है गाइस, क्योंकि उस ज़माने में गाइस मशीनें तो होती नहीं थी, तो लोगों ने देखिए हाथों से ये चीज़ बनाई गई है, इसको तोड़ने की कोशिश किया था बिल्कुल टूटता भी नहीं गाइस, बिल्कुल पत्थर से बनाया गया गाइस, देखिए पत्थर और देखिए जिस प्रकार से डिजाइन डाले गए, डिजाइन देखो गाइस ये सब कुछ पत्थरों से गाइस, जो भी हाथों से और कुछ और औजारों से किए गए होंगे, ये देखिए तोड़ रखा गया, जैसे देखिए पूरा पता चल रहा है कि पत्थर से बनाया गया है, देखिए आप ये देखिए गाइस ये पत्थर है पूरा, ये इसे घिसने की कोशिश करो तो कुछ बाहर से निकलेगा, ऐसे निकलने लगा कुछ शिकार की गाइस, यहाँ मान्यताएँ हैं, यहाँ कुछ लिखा हुआ भी है गाइस, दृष्टि बनी पूरी आपकी सूचना के अधिकार के लिए बड़ा सही लगा हुआ है, विकास एवं पंचायत शाखा अलवर राजस्थान, देखिए गाइस शहर की लोकेशन है गाइस। गाइस चेकआउट करो व्यू, काफ़ी हाइट पर आ चुके हैं यहाँ, ये वाला है फाउंटेन जहाँ से हम यहाँ पे हमने दिखाया था आपको, यहाँ है गाइस वो मेन छतरी जिस पे राजा बैठते थे ये वाली, और दो इधर उधर का गाइस तो और बैठते होंगे वहाँ, यहाँ से राजा सब कुछ बताते थे अपनी प्रजा को, कुछ यहाँ भी गाइस लाल पत्थर का यूज़ किया गया है, यहाँ गाइस सब कुछ जो सब कुछ है जो पत्थर का यूज़ किया गया है किसी भी चीज़ पर, पहाड़ चकौड़ करो गाइस
पुस्तकालय लोकेशन है अंदर, यहाँ बहुत सारी वो बना रखी हैं, वाद्य यंत्र और जो औजार हैं वो भी हैं, मूर्तियाँ भी हैं। ये मना कर रहे हैं वीडियो बनाने, लेकिन हम थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके लिए एक दो वीडियो के लिए शूट कर पाएँ। इसके बारे गाइस यहाँ गाइस म्यूजियम जहाँ की माए हैं, यहाँ बहुत सारे मैंने चित्र और फोटोज लगा रखे हैं। ये म्यूजियम के अंदर है गाइस, इन्होंने लाइट बंद कर रखी है जिस कारण लोग वीडियोज़ और फोटोज़ ना क्लिक कर रहे हैं। फ़ोटोज़ गाइस क्लिक करना अलाउ है लेकिन वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं गाइस। यहाँ कुछ बहुत सारे पुस्तकें रखी हैं इन्होंने, ये गाइस उर्दू में है, सब कुछ उर्दू में लिखा होगा, जैसे समझ आ रहा है। और चीज़ है यहाँ बाकी फोटोज लगा रही उन्होंने, गाइस वीडियो बनाने दे रहे गाइस, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दो चार वीडियो के लिए शूट आपको लेकर पाए हैं। हाँ गाइस, बहुत सारे औजार और तलवारें और जो सैनिक पहनते थे कुछ वस्त्र, और ये गाइस प्रोटेक्ट करते थे जो सैनिकों को। और यहाँ तलवारें गाइस देखे, जो कि छोटी तलवारें हैं, बड़ी तलवारें गाइस, और ज़्यादा बड़ी तलवारें हैं। यहाँ पे तो और चीज़ अंदर भी है, यहाँ गाइस कुर्सी सोने की है, पता नहीं गाइस, जिस पे राजा बैठा करते थे उनका 76 ऊपर का। और ये गाइस कुर्सियाँ हैं, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ गाइस। यहाँ बहुत सारे तोप लगा रही है बड़ी गाइस, दिखा ये कुछ चक्का करोगा इस, कितनी बड़ी है गाइस तोप, छोटी छोटी बंदूकें भी है और बड़ी बड़ी भी है। ये देखो गाइस कितनी बड़ी बंदूक है, ये देखिए ना, चक्कर करो गाइस। ये गाइस कुर्सी राजा की कुर्सी, और यह गाइस पूरा सैनिक की गाइस, जो कि पूरे आभूषण वस्त्र बनाए हुए हैं। देखिए गाइस एक बार चेक आउट करो, यहाँ और भी गाइस बड़ी तलवारें हैं। तो गाइस कुछ इस प्रकार का है म्यूजियम अंदर से, और अब देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं हम। यहाँ खिड़की टाइप की है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ गाइस, यहाँ फुल लाइट लग रही है साइड जगह खिड़की, जहाँ से कि फिर ये उसमें अंदर को तो आपको दिखा पा रहे हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारी तस्वीरें और फोटो लगा रखी उन्होंने, यहाँ देखिए जैसे चेकआउट करो पीछे, ये देखिए पूरी एरिया में। यहाँ का जो बुक्स जो कि उर्दू में लिखी हुई है, जिनको समझ आता होगा वो पढ़ लेंगे इस चीज़ को। गाइस जिसका सब्जेक्ट इतिहास होगा वो इस चीज़ को मतलब सही से पढ़े, क्योंकि उसकी काफ़ी काम भी किए हैं गाइस, जो कि पुराने महापुरुष और महावीर योद्धा थे, उनकी यहाँ फोटोज़ और उनके बारे में बताया गया है यहाँ सब कुछ, जो कि सब कुछ गाइस हिस्ट्री के रिलेटेड है। यहाँ कोई हिस्ट्री का अगर विद्यार्थी या फिर छात्र है उसके लिए काफ़ी कुछ सीखने की और देखने की चीज़ है गाइस। यहाँ यहाँ पे था गाइस वो म्यूजियम जहाँ के हम गए थे, यहाँ राजकीय संग्रहालय वहाँ लिखा हुआ है, और आगे हम बाहर म्यूजियम से वहाँ गाइस लाइट भी नहीं थी तुम्हें, यहाँ देखे लड़के लड़के दिख रहे थे कोई, अब काफ़ी भीड़ कम होगी गाइस। यहाँ अब हमने चले गए वहाँ फाउंटेन पे, वहाँ से आपको इस व्यूज दिखाएंगे कि अगर प्रजा साइड बैठती थी तो किस प्रकार का व्यू आता था इस साइड पे। वहाँ जाएंगे गाइस नीचे, तो गाइस अब नीचे पहुँच चुके हैं, कुछ इस प्रकार का नीचे व्यू है गाइस। ऊपर गाइस टॉप पे म्यूजियम है, जो कि ये ऊपर टॉप पे यहाँ पे गाइस म्यूजियम है जहाँ से हम पूरा नीचे घूम के आ गए हैं। यहाँ बैठती थी गाइस जो राजा की प्रजा, यहाँ बैठा करती थी। यहाँ गाइस जो फाउंटेन है जहाँ होली के टाइम पे काफ़ी अच्छा त्यौहार मनाया जाता था पहले जब राजा के टाइम पर। यहाँ तो बाग भी है देखिए गाइस, जो कि पत्थर के बनाए गए हैं। यहाँ गाइस किसी और चीज़ का जो नहीं किया गया है, ओनली ऑन पत्थर का गाइस। यहाँ देखिए नीचे कितने ही प्यारे प्यारे रंगीन से इन्होंने पत्थर बिछाए हुए हैं, कुछ इस प्रकार का व्यू आता है गाइस यहाँ से जब प्रजा बैठती होगी यहाँ पे। इस बीच वाले में गाइस राजा बैठते हैं, बीच वाले छतरी पे, छतरी के नीचे, तो यहाँ गाइस प्रजा। तो चलते हैं गाइस बाहर की ओर और देखते हैं क्या होता है। गाइज अब हम कर रहे हैं इस ब्लॉग को भी एंड, हमने सब कुछ दिखा लिया आपको, जहाँ 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 प्लेस है घूमने के,
मैंने सारे पे आपको दिखा दिया प्लेस। तो अब हम कर रहे हैं इस ब्लॉग का एंड, गाइस ब्लॉग का एंड यहीं हो रहा आज। तो फिर आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो पसंद आई गाइस, क्योंकि काफ़ी चीज़ें दिखाने लायक है। हाँ गाइस, अब मैं पूरा राजस्थान एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सीख लीजिए, क्योंकि मैं पूरा राजस्थान घूमने वाला हूँ अपने इस ब्लॉग के माध्यम से। आपको सबको दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ हम जाएंगे। आज तो हम यहाँ आए अलवर में। अलवर में काफ़ी जगह है गाइस, अलवर में एक जगह है गाइस, मतलब वो बहुत डेंजरस जगह है गाइस, भानगढ़, जो कि काफ़ी दूरी पड़ेगा यहाँ से अलवर से, वहाँ पर जाएंगे हम। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।